तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। तो जैसे कि तुम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने थोड़ा बहुत जो है अपने लिए शुगर कैन कलेक्ट करके लाया था। और उन शुगर कैन से मैंने यहाँ पे बहुत सारा जो है शुगर कैन को ग्रो कर दिया। और आज जो है मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए एक ब्लेज़र। तो तुम लोगों को पता ही है, ब्लेज़र तो मैं ऐसे ले नहीं सकता, तो ऑब्वियसली उनके लिए मेरे को एक ज़ोंबी ब्लेज़र को क्योर करना पड़ेगा। और क्योर करने के लिए मेरे पास यहाँ पे शुगर कैन भी है, जिससे मेरे शुगर बना लूँगा। और सबसे पहले तुम लोगों को मैं नीचे जाके दिखाता हूँ एक चीज़। और यहाँ पे जो है ना, मैंने ऑफलाइन पे बहुत टाइम तक जो है माइनिंग किया था, और यहाँ पे मेरा पिकैक्स का, जितना भी पिकैक्स था, सबका हालत ख़राब है। तो चलो सबसे पहले तुम लोगों को नीचे जाके दिखाते मैंने नीचे क्या किया। तो चलो फाइनली नीचे तो आ गया, और अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इतना सारा पिकैक्स अभी भी भरा हुआ है। मैंने ऑलरेडी इन सबको बना के रखा था, और मेरा जो फॉर्चून का पिकैक्स था, मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, एक दो गलती से यूज़ कर लिया था। तो सबसे पहले तो इन सारे पिकैक्स को ले दो। और ऊपर जो है ना, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास इतना सारा ऐसे भी नॉर्मल ओर से, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। और वार्डन जो है ना, मेरे को ये देवल के आर पार भी मार रहा था। और एक बार तो मैं मरते मरते बच गया था, और एक बार मैं गलती से मर भी गया था। बट वो सब तो मैंने ऑफलाइन में किया था, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं दिखा पाया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने चारों तरफ जो है ना माइनिंग किया था, तो उस सब का लूट यहाँ पे है। तो चलो अभी क्या करते हैं ना, इन सारा चीज़ें को उठा लेते हैं और जल्दी से चलते ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ग्राउंड है ना। तो देख सकते हो वार्डन मेरे को फायर कर रहा है, और ये भाई और यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, मैं मरते मरते बस रहा हूँ अभी। तो चलो अभी क्या करते हैं ना, वहाँ पे जितने भी सामान है एकदम से कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बैठ जाता हूँ, वार्डन जब तक जाएगा ना, वहाँ पे जाके जल्दी से जितना भी सामान है सबको उठा के ले जाऊँगा। और यहाँ पे जब मैं माइनिंग कर रहा था ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत आ रहा था इस वार्डन की वजह से, क्योंकि मेरे बेस के नीचे पूरा का पूरा एंशिएंट सिटी था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अभी आगे जितना भी लूट है सबको लेके ऊपर चलते। तो फाइनली जो है ना, मैं ऊपर आ चुका था, और आते ही मैंने अपने जितना भी बेकर सामान था उन सबको चेस्ट में डाल दिया, और बाकी सामान जो और था उनको मैंने यहाँ पे फॉर्चून 3 से माइनिंग करने के लिए लाइन लगा दिया, क्योंकि मेरे को बहुत सारा और चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो 22 लेपिस लजूली का और से मेरे पास, और आयरन का है 44 था, और डायमंड का थोड़ा बहुत था। और देखना मेरे को कितना ज़्यादा मिलता है जब मैं ये फॉर्चून 3 से माइनिंग करूँगा। तो चलो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इन सबको रखते और उसके बाद जल्दी से माइनिंग करते। तो मैं इन सब को तोड़ते तोड़ते, यहाँ पे रात हो चुका था, तो मैं आ गया था बेड में सोने के लिए। तो अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक स्टक और 11 डायमंड हो चुका है, और यहाँ पे आयरन तो मेरे पास भर भर के मिला है। तो चलो सबसे पहले थोड़ा बहुत सामान यहाँ से देख लेते मैं क्या बना सकता हूँ। बट नहीं, उससे पहले ये सारा सामान को ना चेस्ट में डालना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मेरे को ऑब्वियसली अच्छा चेस्ट रखना पड़ेगा एक, जिसमें मैं अपना सारा सामान को डाल पाऊँ। तो चलो ये सारा सामान को मैं जल्दी से जो है ना इस चेस्ट में डाल दे तो, और एक और फाड़ने से तो यहाँ पे मैं अपना और भी आयरन को स्मेल कर पाऊँगा। तो चलो यहाँ पे ये फाड़नेस को रखते, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन है, तो इन सभी आयरन को यहाँ पे जो है ना स्मेल्ट होने के लिए रख देते, और अपना सारा सामान को चेस्ट में डाल देते हैं। तो सारा सामान को चेस्ट में डालने के बाद यहाँ पे मैंने स्मेटिंग टेबल को बना लिया, टेम्पल पता नहीं क्या नाम था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत शायद नेदर इंगट है, जिनसे मैं अपना जो आर्मर है ना उसमें नेदराइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो नेदराइट में कन्वर्ट करने से पहले मेरे को जो है ना ये चाहिए होता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये मैं एक मिले तो एक कोई वेस्ट कर दूँ। उससे अच्छा था कि मैंने जो है ना इसको डबल कर लिया डायमंड से, तो 8 जितना डायमंड लगता है इसको 1 से 2 बनाने के लिए। तो चलो सबसे पहले तो मैंने अपने हेलमेट को नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया, और अभी जो है ना इसको थोड़ा इंचेंटमेंट भी करना पड़ेगा, उसके बाद भी मैं अपग्रेड कर देता हूँ दूसरी चीज़ों में।
वही सही रहेगा। मेरे पास अभी थोड़ा बहुत एक्सपी भी बचा हुआ है, और सबसे पहले तो ये देखते कि इसमें कितने में ये हेलमेट। भाई प्रोटेक्शन 3 मिल रहा है, और चलो इसको ले लेते। भाई प्रोटेक्शन 3 मिल गया पहले ही, तो ये मेरे लिए बहुत सही था। तो चलो अभी क्या करते, जल्दी से जल्दी नीचे चलते और सबसे पहले इसको डिसेंड कर लेते, क्योंकि ये कोई अभी काम का है नहीं। और अभी इसमें देखते क्या मिल रहा है। फायर प्रोटेक्शन 2 नहीं चाहिए ये बिल्कुल भी, मैं अपने एक्सपी वेस्ट नहीं करूँगा इनके ऊपर। तो चलो अभी क्या करते हैं, नीचे चलते हैं और इसको जो है ना अपडेट कर देते ये वाले नया चिप से। और ये किधर है, आ जाओ तुम यहाँ पे, और अभी तुमको कर देता हूँ यहाँ पे अपडेट। और देखते इसमें कौन सा कलर आ, यही सही लग रहा है, डायमंड से किया तो इसमें थोड़ा और भी शायद पावर आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं पूरा नेदरराइट में कन्वर्ट हो चुका हूँ, सिवाय मेरे पास एक दो चीज़ कमी है, बट कोई ना, उन सबको भी मैं नेदरराइट में कन्वर्ट कर लूँगा कभी ना कभी। तो चलो अभी जो दूसरा काम है वो सब भी कर लेते जल्दी से। तो फाइनली मैंने अपना शॉर्ट में भी नेदरराइट लगा दिया, नेदर इंगेट लगा दिया, तो ये मेरा नेदरराइट का शॉर्ट बन गया। और वो सारा मैं तुम लोगों को क्लिप में दिखाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए इन छोटी छोटी बातों के लिए। तो यहाँ पे डायमंड को संभाल के रखता हूँ और अभी चलता हूँ दूसरे काम पे। तो जैसे कि तुम लोगों ने छोटे छोटे क्लिप में देखा है ये मैंने ब्लेजर कहाँ से लाया, और उसके बाद मैंने इससे थोड़ा बहुत ट्रेड करने लग गया, क्योंकि मेरे को एम्ब्रेल का ज़रूरत था, और एम्ब्रेल का ही नहीं, एम्ब्रेल के साथ ये बुक शेल्फ का भी ज़रूरत था। तो मैंने यहाँ से जो है ना एम्ब्रेल खरीद लिया था। और यहाँ पे देखो एक बुक शेल्फ में मेरे को 3 करके बुक मिलता है, और ये एक बुक शेल्फ जो है ना मेरे को 3 एम्ब्रेल में मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक फ़ायदा हो रहा है कि मैं इन बुक शेल्फ को तोड़ के दोबारा इस पे सेल कर सकता हूँ, जिससे कि अपडेट हो जाए। तो उसके बाद मैंने यही किया, मैंने थोड़ा बहुत इसे बुक शेल्फ खरीद के उनका बुक बना के दोबारा इससे बुक शेल्फ खरीद लिया, तो बुक बना के सेल किया था उसके बाद। तो चलो ऐसे तो होते ही रहेगा, और अभी दूसरे काम भी कर ही लेते, ये बस तुम लोगों को दिखाना था इसलिए दिखा दिया। और उसके बाद सारा बुक शेल्फ यहाँ पे लगाने के बाद मैं 30 लेवल का एन्चेंटमेंट कंप्लीट कर लिया था। और अभी अगर मैं अपने एक्स को रिपेयर करूँगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपी ऐसे भी चला जाएगा, तो इसको एन्चेंटमेंट करने के लिए मैं चला गया था अपने जो है ना एक्सपी फार्म में। तो चलो बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करते और उसके बाद तुम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि ऐप के दिखाना कोई जो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो बहुत टाइम के बाद मैं दोबारा आया अपने इंसेंटमेंट टेबल के पास, क्योंकि अपने एक्स को भी रिपेयर करना था। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे को कितना ज़्यादा अच्छा इंसेंटमेंट मिल गया, एफिशिएंसी, अनब्रेकिंग, शार्पनेस 4। भाई ये बहुत सी मेरे लिए इंसेंटमेंट साबित हुआ, और मैं पता नहीं गलती से ये बूम में इंसेंटमेंट लगा लिया जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और ये टूटा हुआ जो एक्स है ना, इसमें मेरे को एफिशिएंसी 4 दिखा रहा था, बट मेरे को नहीं चाहिए ये। और यहाँ पे देख सकते हो प्रोटेक्शन 4 आ रहा है, तो क्या करें, खरीद ले? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अपने अरमान में प्रोटेक्शन 3 है, अभी 4 का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बगल बाद में 3 मिल जाएगा ना ब्लेजर में तो सही है, अभी ये एक्सपी क्यों वेस्ट करना ये एक प्रोटेक्शन ज़्यादा के लिए। तो उसके बाद मैंने बहुत टाइम सोचा, और उसके बाद मैंने वही प्रोटेक्शन 3 वाला प्रोटेक्शन 4 वाला बुक खरीद लिया। बट इसमें एक बात सही था, इसमें फॉर्चून 3 लगा हुआ था, तो मैं जो है ये फॉर्चून 3 अपने जो है ना होम में लगा देता हूँ। होम में लगाने से पहले मैं यहाँ पे एक और बुक को रिपेयर इंसेंटमेंट किया, जिसमें मेरे को जो है ना एफिशिएंसी 3 मिल रहा था, और एक बुक में मेरे को शार्पनेस 4 मिल रहा था।
तो मैंने सोचा कि इसको खरीद ले, बट मेरे पास उतना एक्सपी नहीं था तो मैं खरीद नहीं पाया, इसलिए मैं दूसरे एनचेंटमेंट देखने लग गया। और वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया था। अपने डायमंड में के शवल में मैंने एफिशिएंसी 3 लगा लिया, और डायमंड के हो में मैंने फॉर्चून 3 लगा लिया। और अभी क्या करना है कि मेरे को जो है अपने ब्लेजर से थोड़ा बहुत ट्रेड भी करना था, बट मेरे पास जो है ना शुगर केन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई अभी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था शेयर लेके अपने थोड़ा बहुत शिप से बुल लेने के लिए, क्योंकि मेरे को बेड बनाना था अपने ब्लेजर के लिए। तो बेड के लिए ओबियसली मैं शेयर से करूँगा तो मेरे को ज़्यादातर बुल मिलेगा। तो चलो थोड़ा बहुत बुल कलेक्ट करते। तो मैंने बस एक ही और शिप से शेयर किया तो मेरे को तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना वुल मिल गया था, जिससे मैं 3 या 4 बेड तो बना ही सकूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मेरे पास लॉक की भी कोई कमी नहीं थी, और यहाँ पे मैं कुल मिला के 3 बेड बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक वुल की कमी है अभी। तो कोई ना, चलो अभी क्या करते हैं, अपने जो ब्लेजर है ना इसके लिए छोटा सा हाउस बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी जगह में है। तो चलो जल्दी से वो काम भी कर लेते हैं। तो अभी तुम लोग ये सीन देखो, मैं अपने ब्लेजर के लिए छोटा सा घर बना लिया था, और मैं यहाँ पे आ गया था थोड़ा बहुत दूसरा लॉक कलेक्ट करने के लिए। बट उसी टाइम एक शैतान क्रीपर आके मेरा भाई सारा मेहनत में पानी फेर दिया। मेरा कितना सारा सामान जो है ना वो तो ऐसी ब्लास्ट के वजह से चला गया, और यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरे को तो ये यहाँ पे आप ही ना खेलने का भी मन नहीं कर रहा था। बट चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इन सबको रिपेयर तो ऐसे भी कर ही लूँगा मैं ऑफलाइन में ही। तो चलो अगली वीडियो में तुम लोगों को ये सब रिपेयर करने के बाद तुम लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए सब अच्छे अच्छे से रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलो अगर वीडियो थोड़ा पसंद आया ना तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है मेरे सब्सक्राइबर की। तो चलो चलता हूँ।